हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, इसमें बजट सत्र का एक दिन बढ़ाकर 3 मार्च की बजाय 4 मार्च कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर पहली बार बतौर वित्त मंत्री 28 फरवरी को बजट पेश करेंगे। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। इसके शुरुआत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल सदन में बीजेपी जेजेपी सरकार का रोडमैप पेश किया। इस दौरान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सरकार का विजन रखा। राज्यपाल ने मनोहर सरकार के 100 दिन के कार्यों का भी ब्यौरा दिया। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा सत्र का शेड्यूल बताया। सरकार गुड गवर्नेंस की नई नई पहलों और सभी विभागों द्वारा राज्य के हर क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं प्रदान करने पर वर्ष भर कार्य करेगी। मेरा विश्वास है कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और कार्य अवधि को सुव्यवस्थित करके सहजता से सरकारी सेवाएं मिलने के फलस्वरूप ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी। आगामी सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2020 को मेरी सरकार ऐसी पहलों पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेगी। अनुकरणीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों और विभागों को सम्मानित भी किया जाएगा। 21, 22 और 23 फरवरी को अवकाश रहेगा। 24 फरवरी को प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 25 फरवरी को भी प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा होगी। 26 फरवरी को प्रश्नकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान होगा। 27 फरवरी को प्रश्नकाल और गैर सरकारी काल रहेगा। 28 फरवरी को सीएम मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करेंगे। 29 फरवरी और 1 मार्च को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। 2 मार्च को प्रश्नकाल और बजट पर सामान्य चर्चा रहेगी। 3 मार्च को प्रश्नकाल और बजट अनुमानों पर चर्चा होगी। 4 मार्च को प्रश्नकाल होगा और विधानसभा सत्र समाप्त होगा। वहीं बजट सत्र में बीजेपी जेजेपी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर जमकर हंगामा होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट के मंत्री बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के अब तक के कामकाज का हिसाब सदन के पटल पर देंगे, तो कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार की घेराबंदी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। नहीं, जो उससे सेंस आई है, जो जितना पढ़ा गया है, उस हिसाब से कोई सरकार ने किसी दिशा नहीं बताई, ना कोई दशा की जिक्र किया है, तो बाकी सारा पढ़ के पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो जितना पढ़ा है, उसमें कोई सरकार किस दिशा में जाती है, क्या करना चाहती है, जो क्या कैसे सुधार लाएगी, ऐसा कोई चर्चा। वहीं इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला कांग्रेस विधायकों के साथ खड़े नजर आने के कम ही आसार हैं, लेकिन किसानों और कर्मचारियों के मुद्दे पर अभय बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।